हेलो भाइयों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम अपन बात करेंगे जो KCA वुमेन्स T20 चैलेंज का आज के दिन का यहाँ पर पहला मैच होगा जो खेला जाएगा टीम अंबर और टीम एमराल्ड के बीच में। तो इस मैच की मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी दूंगा, बस आपको ये वीडियो अंत तक पूरा वॉच करना है। ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प पहुँचाएगा। सबसे पहले भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए और अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर अगर आप कमेंट सेक्शन में जाओगे इसी वीडियो के तो जो सबसे पहला कमेंट आपको मिलेगा ना टॉप पर पिन किया हुआ, उसमें भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर मैच के बारे में, तो मैच 9 बजे स्टार्ट होगा, ध्यान रखना। सुबह मैच खेला जाएगा सनातना धर्मा कॉलेज ग्राउंड अल्पुजुआ में। और ये जो विकेट है भाई, बैटिंग के लिए उतना कुछ खास है नहीं, यहाँ पर ना बॉलर्स को ज़्यादा हेल्प मिलती है, स्पेशली स्पिनर्स को यहाँ पर बहुत अच्छी मदद है, ये बात आप ध्यान में रखना। एवरेज स्कोर यहाँ पर लो बनता है 100 से 120। अब तक यहाँ पर 6 मैचेस हो चुके हैं, 2 जीते हैं बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने, 4 में यहाँ पर चेज हुआ है। तो यहाँ पर पहले अपन बात कर लेते हैं अंबर की टीम की। तो टीम अंबर की जो टीम है भाई, 2 मैच खेली और दोनों के दोनों मैच इनकी टीम यहाँ पर हारी है। इनकी तरफ से ओपन करती हैं दिया ग्रीश और उनके साथ में आती है अंशु सुनील। पहले बात करेंगे यहाँ पर दिया ग्रीश की। तो पहले मैच में 1, दूसरे में 0, दोनों मैच में अब तक फेल रही हैं। अब देखो लास्ट सीजन ना इनके नाम 8 मैच में 93 रन थे, 11 का एवरेज था और 5 विकेट भी थे, लेकिन इस सीजन ना अब तक बॉलिंग बिल्कुल भी नहीं करवा रही, लेकिन बॉलिंग करवा सकती है, अब तक तो नहीं करवाई। अंशु सुनील पहले में 28, दूसरे में 21 हैं। लास्ट सीजन इनके नाम भी 6 मैच में सिर्फ 43 ही रन थे, उतना कोई खास रिकॉर्ड था नहीं, लेकिन इस सीजन दोनों मैच में अब तक तो अच्छा किया है। फिर आएंगे ऐसे सजीवन सजना, इनकी अगर मैं बात करूँ राइट हैंड बैटिंग ऑफ ब्रेक बॉलिंग करवाएंगी, इनकी टीम की एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, टीम की कप्तान भी हैं। पहले मैच में 29 रन 0 विकेट है, दूसरे में 14 रन 1 विकेट है, 7 मैच में 225 रन, 75 का एवरेज, 8 विकेट, 27 ओवर डाल के इनका लास्ट सीजन का रिकॉर्ड है। फिर आएंगे ऐसे सौरभ्या पी बालन, राइट हैंड बैटिंग मीडियम फास्ट बॉलर है। पहले में 8 रन 0 विकेट है, दूसरे में 3 रन 0 विकेट है, 8 मैच में 40 रन 6 विकेट, 29 ओवर डाल के इनका लास्ट सीजन का रिकॉर्ड है। फिर आएंगे ऐसे दिव्या गणेश, लास्ट सीजन 8 मैच में 108 रन थे, पहले मैच में 3 रन 0 विकेट है, दूसरे में 22 रन 0 विकेट है, 3 ओवर डाल के। तो ध्यान रखना अच्छी बॉलिंग करवाई है इन्होंने भी दोनों मैच में, वैसे बॉलिंग करवाती नहीं है लेकिन इस सीजन ये बॉलिंग करवा रही है, ध्यान रखना ये बात। अभिरामी बीनू पहले में 9 रन 0 विकेट है, दूसरे में 1 रन है। फिर आएंगे ऐसे TP अजन्या, ऑफ स्पिन बॉलर है ये भी, पहले में 1 ओवर डाला विकेट लेस, दूसरे में 4 रन 0 विकेट है, 2 ओवर डाल के। अभी ना इनको बॉलिंग कम मिल रही है, अदरवाइज ये भी एक बहुत बढ़िया स्पिन बॉलर है, 8 मैच में 31 रन 9 विकेट है इनके नाम भी। फिर आएंगे ऐसे जिप्सा जोसेफ, पहले में 2 ओवर डाले 1 विकेट था, दूसरे में 4 रन किए, बॉलिंग नहीं करवाई थी, लास्ट सीजन 9 मैच में 3 विकेट इनके भी नाम थे। फिर आएंगे ऐसे जया लक्ष्मी जया चंद्रन, 3 और 5 किए हैं। यहाँ से आएंगे श्री कृष्णा हरिदास, पहले में 2 विकेट है, दूसरे में 1 विकेट है, वैसे एक फास्ट बॉलर है, फास्ट बॉलर्स को इतनी मदद होती नहीं, लेकिन उन्होंने दोनों मैच में अच्छा किया है। के विस्म्या की बात करूँ, पहले में 2 ओवर में विकेट लेस, फिर 1 नॉट आउट किया है। तो देखो यहाँ से मैं ज़्यादा प्लेयर पिक नहीं करूँगा, अभी के लिए मैं देखो 4 प्लेयर रख रहा हूँ, अंशु सुनील को रखूँगा, सजीवन सजना को रखूँगा, सौरभ्या पी बालन को रखूँगा और नीचे से यहाँ पर दिव्या गणेश को आप पिक कर सकते हो मेरे हिसाब से। और नीचे से अगर एक और प्लेयर अगर आपको रखना है तो आप श्री कृष्णा हरिदास या फिर TP अजन्या में से किसी एक को पिक कर सकते हो। बाकी बेंच पे जो भी प्लेयर है इनमें से कोई खेलता है स्टार्ट्स मिल जाएंगे। इनकी तरफ से स्टार्टिंग के ओर डालेंगे एस हरिदास और एस सजना, डेथ के ओर डालेंगे यहाँ से एस सजना, पी बालन और यहाँ से डी गणेश। अब बात करेंगे दूसरी टीम यानी कि टीम एमराल्ड की टीम की, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है और इनकी टीम के फेवर में ही आपको टीम बना के चलनी है। इनकी तरफ से ओपन करेंगे अक्षय सदानंदन और उनके साथ में आएंगे सानी शशिधरन। अब देखो अक्षय सदानंदन जो है ना, ये ओपन भी करती हैं और अपने 3 से 4 ओवर कन्फर्म डालती हैं। पहले में 32 रन 0 विकेट है, दूसरे में 30 रन 0 विकेट है, लास्ट सीजन भी आप देख सकते हो 9 मैच में 376 रन 53 का एवरेज, 8 विकेट था, मस्त पिक रहेंगी। आएंगे ऐसे सानी शशिधरन, पहला मैच आपको पता होगा इन्होंने अपन को जितवाया था, सिर्फ 24% सिलेक्शन रेट था इनका उस मैच में। पहले में 5 रन 3 विकेट है, दूसरे में 61 रन 3 विकेट है और कमाल की बॉलर है और बैटिंग भी कमाल करती है, मस्ट पिक होनी चाहिए। दृश्या पहले मैच में देखो, दृश्या ने बैटिंग की थी नंबर 6-7 पर, लेकिन दूसरे मैच में ये वन डाउन आई थी, 4 और 10 किए थे, लास्ट सीजन 4 मैच में 14 रन थे।
फिर आएंगे सर नजला नौशद, एक और टीम की मेन बॉलर है। पहले में 3 ओवर डाले, विकेट ले, दूसरे में 15 रन, 1 विकेट है। लास्ट सीजन 9 मैच में 33 रन, 9 विकेट थे इनके नाम भी। फिर आएंगे ऐसे सबिम मिरियम कजाए, पहला मैच खेली नहीं, दूसरे में 7 नॉट आउट था, लास्ट सीजन 4 मैच में 19 रन, 6 का एवरेज था। फिर आएंगे ऐसे अनाश्वरा संतोष, लेग स्पिन बॉलर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पहले में 33, 1 विकेट है, दूसरे में 2 विकेट है, 9 मैच में 119 रन, 13 विकेट, ये इनका लास्ट सीजन का रिकॉर्ड है, कमाल का रिकॉर्ड है। एम अबीना, पहले में एक दूसरे में बैटिंग इनको नहीं मिली थी, वैसे टॉप ऑर्डर में बैटिंग करती है, लेकिन लास्ट मैच में बहुत नीचे तक आई नहीं थी। लूर्द नित्या की बात करूँ, फास्ट बॉलर है भाई, देखो विकेट भले ही इसको ना मिले लेकिन किफ़ायती बॉलिंग करवाती है, और हो सकता है ये एक मेडन ओवर भी डाल जाए। तो अगर एक मेडन ओवर डाल गई और 6 स्ट्राइक रेट के भी अगर पॉइंट मिलते हैं तो आपको 20-22 पॉइंट ये दे सकती है, और विकेट भी ले सकती है, ऐसा नहीं विकेट नहीं लेती। आप देखो लास्ट सीजन 8 मैच में 50 रन, 8 विकेट है। इनका सिलेक्शन रेट बहुत लेस है, सबसे तगड़ी ट्रंप है आज की, बिल्कुल रखना है। स्टैनली स्टेफी, पहले में 0 नॉट आउट, दूसरे में 0 विकेट है। यहाँ से सनल अथीरा, पहला मैच खेली नहीं, दूसरे में 1 विकेट था, 1 ओवर डाल के 4 मैच में 0 विकेट, पुराना रिकॉर्ड है इनका लास्ट सीजन का। और बाबू सोनिया, पहला मैच खेली नहीं, दूसरे में 9 बैटिंग थी। अभी देखो यहाँ से मैं 6 प्लेयर रखने वाला हूँ, अक्षय सदानंदन, सानी शशिधरन, नजला नौशद, अनासुरा संतोष, लूर्द नित्या। इसके अलावा अगर एक और प्लेयर अगर अपन को रखना है ना तो आप यहाँ से दृश्या को यहाँ पर पिक कर सकते हो। बाकी जो बेंच पे इनके प्लेयर में से कोई भी खेले उसके स्टैट्स मिल जाएंगे। यहाँ से स्टार्टिंग के ओवर डालेंगे लूर्द नित्या, एस शशिधरन, डेथ के ओवर डालेंगे एस अथीरा, नजला नौशद, एस शशिधरन और अक्षय सदानंदन। तो एनालिसिस वाला जो पार्ट है इस मैच का वो हो चुका है कंप्लीट। अब यहाँ पर अपन चलते हैं डेमो टीम की तरफ। डेमो टीम की बात करें भाइयों तो यहाँ पर विकेट कीपिंग सेक्शन से मैंने एम अबीना को रखा है। देखो एम अबीना को रखने का लॉजिक सिर्फ एक ही है, क्योंकि इनकी टीम स्ट्रांग है और ये विकेट कीपिंग करेंगी तो ये आपको विकेट कीपिंग के पॉइंट देने वाली है, ऐसा मेरे को लग रहा है इस मैच में। और बैटिंग सेक्शन से मैंने रखा है टीपी अजन्या, यहाँ से दिव्या गणेश को रखा है और यहाँ से अंशु सुनील को रखा है। ऑलराउंडर सेक्शन से मैंने यहाँ पर अक्षय सदानंदन, सजीवन सजना और यहाँ से एस शशिधरन को रखा है। और बॉलिंग सेक्शन से लूर्द नित्या मेरी ट्रंप है, इनको रखा है, नजला नौशद को रखा है, एच श्री कृष्णा को रखा है और यहाँ से संतोष अनास्वरा को रखा है। कैप्टन मेरी यहाँ पर शशिधरन है, वाइस कैप्टन मेरी यहाँ से अक्षय सदानंदन है। एस सजना भी एक अच्छी ऑप्शन है कैप्टन वाइस कैप्टन की, लेकिन अभी के लिए मैं इन दोनों के साथ ही जा रहा हूँ। देखो ये जो मैच है ना काफ़ी अच्छा मैच है, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, इसकी फाइनल टीम आपको आफ्टर टॉस टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कमेंट में आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू भाइयों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।